Hello everyone, students. Today I have brought for you an exercise on subject verb agreement. Please watch the video till the end to know everything about this topic. किसी भी sentence का subject और verb के बीच में एक agreement होना चाहिए ताकि वह grammatically and contextually सही हो. किसी भी वर्ब का एग्रीमेंट डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट किस नंबर किस पर्सन का है उसके अनुरूप ही आपका वर्ब होना चाहिए. तो आइए देखते हैं कैसे हम इस एग्रीमेंट को करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, मोर देन वन गर्ल ब्लैंक स्पेस डांस्ड. क्रिया आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की जा रही है. ऑप्शंस के अनुसार हैज और हैव में से एक का सिलेक्शन करना है. आपका जो रूल आ रहा है इस सेंटेंस में वो आ रहा है वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड. वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड. आपका ध्यान ऐसे स्ट्रक्चर में फर्स्ट वर्ड पर जाना चाहिए. यदि फर्स्ट वर्ड आपका नाउन या प्रोनाउन है तो फिर वही सब्जेक्ट होगा, और यदि फर्स्ट वर्ड आपका डिटरमाइनर है तो सेकेंड वन आपका सब्जेक्ट होगा. तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट को. मोर देन वन वर्ड, प्रीपोजिशन देन के पहले आपका मोर एक डिटरमाइनर है, मात्रा है, अतः ये सब्जेक्ट नहीं होगा. आपका सब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन वन गर्ल. द नंबर ऑफ द गर्ल इज वन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और उसके साथ एग्रीमेंट होगा आपका हैच का. सो द करेक्ट आंसर इज हैच. More than one girl has danced. Second question में देखिए, तो more girls than one, बात वही है बट थोड़ा change किया गया है subject के structure में. अब आपके preposition के बाईं ओर preposition के पहले girls noun आ रहा है. So this is the subject. यहाँ preposition के पहले more एक determiner था, अतः second one आपका subject हुआ. यहाँ प्रीपोजिशन देन के पहले ही आपका नाउन है, अतः सेकेंड वन पर आपको गौर नहीं करना है. आपका सब्जेक्ट नाउन है गर्ल्स प्लूरल. प्लूरल के साथ परफेक्ट टेंस में एग्रीमेंट होगा हैव का. सो योर करेक्ट आंसर इज हैव. मोर गर्ल्स देन वन हैव डांस्ड. क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, व्हाट आई हैव बॉट ब्लैंक स्पेस शर्ट्स. ऑप्शंस आपके इज और आर हैं. व्हाट आई हैव बॉट, ये एक क्लाउज है. दिस वन इज ए क्लाउज. आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट एक क्लाउज आ रहा है. क्लाउज की संख्या एक है, अतः ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. आप ये ना सोचे कि शर्ट्स है तो आर होगा, क्योंकि ये प्लेस है कॉम्प्लीमेंट का, एंड क्रिया कॉम्प्लीमेंट के अनुसार तभी होगी जब सब्जेक्ट प्रोनाउन डमी प्रोनाउन देयर होगा. चूंकि यहां डमी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं है, आपका सब्जेक्ट एक क्लाउज है, अतः आपकी क्रिया वन क्लाउज के लिए ईच सही होगी. सो योर आंसर मस्ट बी ईच. व्हाट आई हैव बॉट ईच शर्ट्स. क्वेश्चन नंबर फोर में आइए. यू ब्लैंक स्पेस मिस्टेकन. मिस्टेकन आपका मेन वर्ब थ्री है यहां, तो जाहिर है कि आपका ध्यान हैव पर जाएगा. बट याद रखें, जब भी मिस्टेक वर्ब हो तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए. यहां मिस्टेकन के बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः ये एजेक्टिव है. यहां आपका मिस्टेकन एक एजेक्टिव है, और एजेक्टिव हमेशा वर्ब टू बी के बाद आता है. यानी यदि वर्ब हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो तो वो हमेशा वर्ब टू बी होना चाहिए. तो यू के साथ एग्रीमेंट आपका आर का हो रहा है. यू आर मिस्टेकन, यू आर रॉन्ग. कम टू द नेक्स्ट वन. यू ब्लैंक स्पेस मिस्टेकन मी फॉर योर ब्रदर. देखिए, आपका मिस्टेकन मेन वर्ब थ्री के बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है. इसका मतलब किसी को गलती से कोई और समझ लेना, किसी चीज को गलती से कोई और चीज समझ लेना. यहां आपका मिस्टेकन वास्तव में एक वर्ब है, अतः यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया होनी चाहिए.
जो कि एग्रीमेंट के अनुसार हैव होगा एज द सब्जेक्ट इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू। सो राइट आंसर इज योर हैव। ब्लैंक स्पेस में आप हैव को फिल इन कर दें, आपका सेंटेंस हो गया यू हैव मिस्टेकन मी फॉर योर ब्रदर, आपने गलती से मुझे अपना भाई समझ लिया है। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, देयर ब्लैंक स्पेस नथिंग बट चिल्ड्रन। गौर से देखें, डमी प्रोनाउन देयर आपका सब्जेक्ट है जिसका कोई सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता, अतः इसके लिए जो रियल सब्जेक्ट है जिसे कॉम्प्लीमेंट के जगह पर लाया गया है उसके अनुसार क्रिया देंगे। आइए, आपका कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आ रहा है नथिंग बट चिल्ड्रन, फिर मिला आपको प्रीपोजिशन वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड। आपका ध्यान प्रीपोजिशन के पहले यानी फर्स्ट वर्ड पर होना चाहिए, यदि वो नाउन या प्रोनाउन है तो वही सब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के लेफ्ट में आपका आने वाला फर्स्ट वर्ड नथिंग इज ए प्रोनाउन, दिस इज द सब्जेक्ट, सो नथिंग इज ए सिंगुलर वन, सो आपका एग्रीमेंट इज होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी देयर इज नथिंग बट चिल्ड्रन हियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, देयर ब्लैंक स्पेस ओनली चिल्ड्रन। यहां कॉम्प्लीमेंट की जगह पर जो कि रियल सब्जेक्ट है उसे रिप्लेस किया गया है डमी प्रोनाउन देयर से। चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन है अतः उसके अनुसार आपका वर्ब आर होगा। सो राइट आंसर इज आ। हेंस द सेंटेंस देयर आर ओनली चिल्ड्रन हियर। क्वेश्चन नंबर 8, नन बट यू। हियर द सब्जेक्ट इज वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड। प्रीपोजिशन के पहले आने वाला वर्ड नन एक प्रोनाउन है और जब भी नन डिस्ट्रीब्यूटिव हो, जब भी नन एक रेफरेंस के साथ हो, एक ग्रुप के साथ लिंक हो, एक पर्सन के साथ लिंक हो, यहां बट यू पर्सन के साथ लिंक है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। एंड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, हेंस योर एग्रीमेंट विल बी हैज। नन बट यू हैज बीन इन्वाइटेड। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9, नन ऑफ देम ब्लैंक स्पेस एट द डोर, ऑप्शंस इज आर। नन के साथ देखिए एक ग्रुप आ रहा है ऑफ देम। नंबर 10 में देखिए तो नन के साथ कोई भी ग्रुप का लिंक नहीं है, किसी भी ग्रुप की ओर रेफरेंस नहीं है। तो याद रखना है जब भी नन बट यू, आई हैव फाइव पेन्स, नन फाइव पेन से लिंक्ड है, किसी भी ग्रुप से लिंक्ड हो, किसी पर्संस को रेफर करता हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। एंड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहां से क्लियर हो रहा है? ऑफ देम से क्लियर हो रहा है तो वर्ब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। सो राइट आंसर इज नंबर द वर्ब इज। नन ऑफ देम इज एट द डोर। जब नन किसी भी ग्रुप से लिंक्ड ना हो, किसी भी ग्रुप की ओर रेफर ना करता हो तो फिर ऐसा नन आपका प्लूरल नाउन होगा जिसका अर्थ होगा नो पीपल। चूंकि यहां नन एक प्लूरल नाउन है मीनिंग नो पीपल, तो योर वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो नन चूंकि यहां प्लूरल है अतः आपका राइट ऑप्शन आर होगा। तो आपका सेंटेंस हुआ नन आर वेटिंग फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए तो समवन हैज हिट यू। आपका मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसीलिए क्रिया हैज है तो क्वेश्चन टैग में भी हैज ही होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका है हैजंट। समवन हैज हिट यू, हैजंट ही। क्वेश्चन नंबर 12, रुपीज 5000 ब्लैंक स्पेस बिन डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट। मनी कलेक्टिव सेंस में हो तो क्रिया सिंगुलर होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में हो तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। चूंकि ये 5000 रुपए एक ही अकाउंट में गए हैं इन दिस अकाउंट, सो ये कलेक्टिव सेंस है, आपका एग्रीमेंट होगा हैच के साथ। सो राइट आंसर आपका हो गया हैच। रुपीज 5000 हैज बिन डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए सेम सेंटेंस है, रुपीज 5000 बीन डिपॉजिटेड इन दीज अकाउंट, मोर देन वन अकाउंट का सेंस आ रहा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया कुछ हजार इसमें कुछ हजार उसमें। तो जब भी मनी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में हो तो क्रिया प्लूरल होनी चाहिए। सो राइट आंसर आपका होगा हैव। रुपीज 5000 हैव बीन डिपॉजिटेड इन दीज अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, आइदर ऑफ द टू बॉय, आइदर नाइदर नन, इनके साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, क्रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है, केवल नन पर आपको ध्यान देना है। जब नन रेफर करे किसी ग्रुप की ओर, पर्सन की ओर, थिंग्स की ओर, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन यदि विदाउट रेफरेंस हो तो वो एक प्लूरल नाउन है जिसके साथ वर्ब प्लूरल होगा। तो आइदर यदि ऑफ द टू बॉयज ना भी होता फिर भी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा। नंबर आपका राइट ऑप्शन जाएगा यहां इज। सो आइदर ऑफ द टू बॉयज इज टू कम। पाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, आई ब्लैंक स्पेस अ सिंगुलर प्रोनाउन। आमतौर पर आई के साथ एग्रीमेंट एम का होता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन वो तब जब ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा हो एंड रेफर करता हो व्यक्ति को, दूसरे शब्दों में जब ये प्रोनाउन के रूप में यूज्ड हुआ हो। लेकिन जब आपका आ नाउन के रूप में यूज्ड हुआ है तो ये सिंगुलर नाउन होगा और क्रिया प्रेजेंट टेंस में इज होगी। यहां गौर से देखें, आई ब्लैंक स्पेस अ सिंगुलर प्रोनाउन, यहां आई कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक वर्ड है जिसे हम सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, अर्थात यहां आपका आई एक नाउन है, अतः इसके साथ एग्रीमेंट इज का होगा। आई इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, आई ब्लैंक स्पेस अ टीचर ऑफ इंग्लिश, यहां आई स्पीकर को रिप्लेस करके स्पीकर को हटा कर आ रहा, अर्थात यहां सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आई है ये नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन है। और आई के साथ जब भी ये प्रोनाउन बनकर काम करे, स्पीकर की जगह पर आए, तो फिर हमेशा इसका एग्रीमेंट प्रेजेंट टेंस में एम के साथ होगा स्टूडेंट्स। सो योर राइट आंसर इन द इन सेंटेंस नंबर 16 विल बी एम। तो ध्यान देखना, आई या कोई भी वर्ड जब नाउन के रूप में आए और सिंगुलर हो तो एग्रीमेंट हमेशा इज के साथ होगा। यदि वो प्रोनाउन है, आई सब्जेक्ट स्पीकर को रेफर कर रहा है तो एम होगा, यू ऑडियंस को रेफर कर रहा है तो आर होगा। क्योंकि यहां स्पीकर को रेफर कर रहा है इसलिए आपका एग्रीमेंट एम होगा, आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 17, इफ सी ब्लैंक स्पेस अ प्रिंसेस, यदि वो राजकुमारी होती तो फिर इफ की जरूरत नहीं थी, सी इज ए प्रिंसेस, सी वॉज ए प्रिंसेस पास्ट टेंस के लिए। लेकिन इफ बता रहा है कि ये राजकुमारी है नहीं बल्कि ऐसा ऐसा डिजायर किया जा रहा है, काश वह राजकुमारी होती। इम्प्रोबेबिलिटी अनफुलफिल्ड डिजायर, जब भी ऐसी स्थिति हो इम्प्रोबेबिलिटी या अनफुलफिल्ड डिजायर की, तो आपका एग्रीमेंट हमेशा सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जब भी वर्ब टू बी चाहिए तो ऑलवेज एग्रीमेंट आपका वर्ब का होगा। हेंस योर सेंटेंस विल बी, इफ सी वर अ प्रिंसेस काश वो राजकुमारी होती। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, हु ब्लैंक स्पेस प्लेइंग इन द गार्डन, जब भी क्वेश्चन वर्ड आपका सब्जेक्ट हो, जब भी क्वेश्चन वर्ड आपका सब्जेक्ट हो, इट इज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एग्रीमेंट इज आर में से इज होगा। सो हेंस योर सेंटेंस विल बी, हु इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, व्हाट ब्लैंक स्पेस यू डूइंग हियर, यहां आपका व्हाट क्वेश्चन वर्ड व्हाट ऑब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट आपका यू है, यू के साथ एग्रीमेंट जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आर का ही होगा। व्हाट आर यू डूइंग हियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20, बोथ द बॉयज, जब भी आपका बोथ वर्ड हो सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव बनकर या प्रोनाउन बनकर, ये हमेशा बहुवचन के साथ एग्रीमेंट करेगा। हेंस आपका राइट आंसर होगा आर, बोथ द बॉयज आर रेडी टू कम। इस तरह से स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वेरी इजी। इनके रूल्स को कंसेप्ट को बहुत ध्यान से आप देखेंगे और उसके अनुसार उसे फॉलो करके, उन्हें फॉलो करके आप अपने
ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।